नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे द हिंद वॉरियर। हमने बीते कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ता पहले आपको बताया था कि एक महिला की डोरी की वजह से उनके ससुराल वालों ने उनकी हत्या कर दी। अब ऐसे में जो पीड़ित परिवार है, जो महिला का परिवार है, वो दर दर ठोकरें खा रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। 10 मई का ये वाक्या है जब महिला की अचानक से तबीयत खराब बताई जाती है पीड़ित परिवार को, और पीड़ित परिवार की माने तो ये भी कहा गया है कि उन्होंने गुहार लगाई कि एक बार वीडियो कॉल पे बात करवा दीजिए हमारी लड़की से, क्योंकि लगभग 8:30 बजे के आसपास इन्होंने, जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने महिला से बात की थी, तब तक वो ठीक थी। तो ये भी जानना चाहते थे कि अचानक से क्या हुआ उस लड़की के साथ। अब ऐसे में जब बात नहीं करवाई गई और पति के परिवार द्वारा गुमराह किया गया, तब इन लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तब पुलिस को फोन किया गया। अब ऐसे में मैं आपको सुनाना चाहूंगी इन्हीं की जुबानी। से ही मेरी सिस्टर को परेशान करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से ही दहेज के लिए भी वैसे भी मारपीट टॉर्चर करते आ रहे हैं। हमारे बीच में काफी बार बात हुई थी पर वो नहीं माने। बीच में उनको हमने काफी कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने काफी कुछ दिया, पर उनकी डिमांडें रुक नहीं रही, बढ़ती जा रही थी। वो स्टार्टिंग में भी हमारा, जब सिस्टर ने हमें बताया ज़्यादा परेशान करते, तो हमने महिला मंडल में केस भी डाला, वो केस भी चल रहा हमारा। महिला मंडल के कहने पे हमने सिस्टर को 3 तारीख को वहाँ भेजा था, 3 तारीख को भेजा था। तो हमारी रात को 10 तारीख को हमारी बातें हुई थी, सुबह भी बातें हुई थी, शाम को भी हुई थी, पापा और मम्मी की बातें हुई थी। सुबह 8:18 मिनट बात हुई थी, शाम को भी 18:19-20 मिनट बात हुई थी। सिस्टर की तबीयत एकदम ठीक थी। कितने बजे आपको बताया गया कि तबीयत खराब हुई? 12:28 रात को 12:28 पर कॉल की गई हमारे पास। क्या बताया गया कॉल करके सर आपको? कॉल करके बताया गया आपकी लड़की की तबीयत खराब है। फिर हमें गुमराह कराया गया, इधर से उधर घुमाया गया। कैसे गुमराह किया, क्या बोला गया आपको? हम कभी सोना के सरकारी हॉस्पिटल में बुला रहे हैं, कभी सेक्टर 56 के कीर्ति हॉस्पिटल में बुला रहे, कभी मैदानता में। तो ऐसे में कहाँ पे मृत घोषित किया गया? मैम, मैदानता से पहले ही सिस्टर की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि सबसे पहले जाके मैंने चेक किया था, सिस्टर को गाड़ी में लिटा रखा था, सबसे पहले मैंने ही चेक किया था, तब तक सिस्टर की डेथ हो चुकी थी। ऐसे में आपने सोना पुलिस में कंप्लेंट की? जी। तो आप लोगों को वहाँ से क्या कार्रवाई देखने को मिली? मैम, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस वाले सारे शांत बैठे हैं। अभी डीसी के पास भी गए, वो भी कह रहे हैं जाँच होगी, सिर्फ जांच होगी, केस को किसी और के अंडर कर दिया बस। सर, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दी गई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से क्या आया है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से तो उसमें तो सिर्फ नॉर्मल दिखा रहा है, वो अटैक दिखाया बस, कार्डियक अरेस्ट दिखाया। तो फिर मैंने वहाँ पर हाथ लगाया मुँह पे, तो हाथ फेरो पलट पलट के देखी कहीं चोट तो ना, कुछ ऐसा ना, चोट तो खैर मुँह ना देखी, पर वहाँ करोना होता तो मेरे क्यों ना लगाओ करोना, वहाँ का करोना हो तो मेरे भी तो लगता। अब इनकी जो छोटी बच्ची है, अभी तक उसका इनको नहीं पता है वो कहाँ है, किस हालात में है। उस बच्ची का भी इनको नहीं पता है कि वो किस हालात में है, कहाँ है, या उसके साथ भी जो है भविष्य में हो सकता है कुछ गलत हो जाए। को जरूर वहाँ कोई ना खिलावे, वही चोरी रखे। कितने साल की बच्ची है? 1 साल की बच्ची है। फिर वहाँ का करोना क्यों ना हुई, वो कहाँ है, किस हाल मिलना चाहिए मेरी बेटी को, मारी गई हमारी बेटी खुद। रोते बिलखते यहाँ पे उस महिला की माँ की एक ही गुजारिश है सरकार से, पुलिस प्रशासन से, कि उनकी बेटी को न्याय मिले। लेकिन ऐसे में आज यहाँ पे ये सीपी ऑफिस के बाहर आए हैं ये तमाम परिजन, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई है सीपी ऑफिस में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं इनका पड़ोसी हूँ जी, राजन यादव नीरज भाई। तो इनकी जो बहन थी, 10 तारीख में उनकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में जो है मौत हो गई थी, जिसके बाबत जो है एक कंप्लेंट जो है दर्ज कराई गई सोना थाने में, और वहाँ पे ना कोई कार्रवाई हुई, और हमें फ़ोन पे ये बोला गया आईओ ने कि जी मेरे पास से फाइल जो है उच्च अधिकारी को चली गई है, कि SHO साहब को चली गई है। SHO साहब से फ़ोन पे बात हुई तो वो कहते जी मेरे से भी ऊपर चली गई है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कौन सा जो पुलिस कर्मचारी है वो इस पे काम कर रहा था, इस केस को किसको दिया गया था? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मदन है जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। सर, उनका रवैया कैसा है इस केस को लेके? उनका रवैया ये है कि जी हमारी जांच चल रही है ना, अभी तक पूछताछ करी है उन्होंने, और जब भी उनसे बात होती है तो उनका एक ही जवाब होता है कि जी मेरे से फाइल चली गई है, मैं सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक जो रिपोर्ट आएगी उसका जिम्मेवार हूँ। सर, ऐसे में जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था, तब वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? जिस टाइम भी पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ पर आईओ मदन थाना सोना से मौजूद थे,
हम भी मौजूद थे वहाँ, लड़का भी मौजूद था और लड़के के अन्य 10 से 12 की संख्या में जो यार दोस्त होते हैं वो भी मौजूद थे। तो अब ऐसे में सर आप वहाँ पे मौजूद थे तो कैसे कार्रवाई की जा रही थी पोस्टमार्टम के लिए? अगर आपने जैसे पहले भी बताया कि एकदम से किसी ने बोला कि कोरोना टेस्ट करवाओ जी, तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में जी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ऑलरेडी जो है मृत थी, फिर आज जो है 18/5/2021 में कुछ समय पहले एक फ़ोन आता है, वो अपने आप को बता रही थी मैं कि सोना अस्पताल से बोल रही हूँ और हमने सर्वे के लिए अस्पताल से नाम लिया उन्होंने सोना नागरिक अस्पताल, और हम कोरोना की जो हमारी टीम है हरियाणा की सर्वे वाली, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी बच्ची की जो है पोर्टल पर कोई रिपोर्ट शो नहीं हो रही है चंडीगढ़ तक में, तो इस बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे थे, तो हमने उनको बताया उसकी तो डेथ हो चुकी है। तो वो हमें कहते हैं कि जी जिस नंबर से फ़ोन आया था वो नंबर भी है हमारे पास, कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कोरोना का, तो इसका मतलब कि उसको कोरोना था ही नहीं, और सिविल अस्पताल से सिर्फ और सिर्फ ओपीडी के पेपर के ऊपर ये लिख के मेंशन कर दिया कि सिम्टम्स ऑफ कोरोना पॉजिटिव, ना आरटीपीसीआर रिपोर्ट दी, ना ही कोई वहाँ की रसीद मिली, ना कुछ, तो हम कैसे मान लें कि कोई भी उसके साइन कर सकता है, वो साइन भी मैच नहीं हो रहे हैं सीएमओ साहब के, तो हम उस पर भी विश्वास नहीं करते कि वो कोरोना पॉजिटिव थी। मतलब आप लोगों ने खुद देखी है रिपोर्ट, तो आपके हिसाब से वो रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी बनाई गई है? हाँ जी हाँ जी, हमारे हिसाब से तो जब उसके अंदर रसीद है तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए थी, आजकल 5 मिनट में मिल जाती है, लेकिन 10 तारीख से और अब तक कोई रिपोर्ट वहाँ से नहीं मिली है। फोरेंसिक जांच के लिए मदन जी ने बोला था कि जी मतलब जाने वाला जो कल है कि मैं तुम्हें दे दूंगा, अब वो भी उनको कह रहे हैं कि उसके अंदर भी टाइम लगेगा, तो मतलब वहाँ पर रवैया देख के आज मैं उनके साथ आया, इनका पड़ोसी होने के नाते सीपी साहब के यहाँ तो उनसे मिलने नहीं दिया गया, हमें ये बोला गया कि जी आप डीसीपी साहब से बात करें, हम डीसीपी साहब के यहाँ पेश हुए, उन्होंने पूछा कि जी क्या वाक्या था, हमने उनको बताया जी ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे फ़ोन भी आया है, संदिग्ध परिस्थितियों में इस लड़की की मृत्यु हुई है, और उन्होंने हमें ये ना कि कोई ठोस कोई जवाब दिया कि हम इसकी जांच करेंगे, तो ये कहकर उन्होंने जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए एसीपी सोहना को मार्क कर दी फाइल। सर ऐसे में कोई तो, रिसीविंग दी गई है आपने जो उनको कंप्लेंट रिसीविंग दी गई है जी, ये रिसीविंग दी गई है आपको दी गई है, और एसीपी साहब को मार्क किया गया है, ये रसीद नंबर है इसका जो रिसीविंग नंबर है। हाँ जी सर, इसमें क्या तमाम बातें लिखी गई हैं आप द्वारा? इसमें ये लिखा गया है कि जी जो 3 तारीख को ये लड़की जो गई है तो वो महिला मंडल के थ्रू गई है, वैसे तो नहीं गई है, तो उन्होंने जिम्मेवारी भी ली है। 10 तारीख में जो बिल्कुल 8:30 से 9 बजे के बीच में इनकी माता की बात होती है, उसके बाद 12:28 में फ़ोन आता है कि जी वो बीमार है, और कुछ ही चंद घंटों के अंदर वो मृत भी घोषित की जाती है। तो ये एकदम ही वाक्य अचानक ही होना, ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अचानक होना, शायद ये मनगढ़ंत है। अब ऐसे में एसीपी सोना तक ये केस रेफर कर दिया गया है डीसीपी साउथ गुरुग्राम द्वारा। अब देखना ये होगा कितनी जल्द कार्रवाई होगी। अब ऐसे में ये सोचने वाली बात है, एक महिला ने अपनी जान गंवा दी, एक साल की बच्ची ने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन उसके बाद भी न्याय के लिए अगर आप बात करें तो पीड़ित परिवार लगभग 8 दिनों से दर दर की ठोकरें खा रहा है, और इंसाफ के नाम पे सिर्फ इनको इधर से उधर रेफर किया जा रहा है। ऐसे में तमाम सवाल उठे हैं कि जो रिपोर्ट है कोविड की वो क्यों इस तरीके से दी गई, क्यों किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है उनकी रिपोर्ट, एकदम से लड़की की तबीयत कैसे खराब हुई, और जो गुमराह किया गया, जो सीसीटीवी कैमराज भी होंगे जिन हॉस्पिटल्स के नाम लिए गए, कीर्ति हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित किया गया तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन 2 और हॉस्पिटल जिनके नाम लिए गए हैं, क्या पुलिस ने उनकी सीसीटीवी फुटेज देखी है? अब ऐसे में हमारी भी गुजारिश रहेगी पुलिस प्रशासन से कि उचित कार्रवाई करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि ये एक परिवार इतने दिनों से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, और इनका हक बनता है कि इनको भी पता चले कि किस तरीके से उनकी बेटी की हत्या की गई है। यहाँ पे तमाम सवाल पीड़ित परिवार के भी हैं और हमारे भी है कि पुलिस प्रशासन क्यों उचित कार्रवाई नहीं कर रही। धन्यवाद, मैं मानसवी शर्मा कैमरामैन तनुज के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर्स।